बहराइच की गुरुद्वारा कमेटी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह के नाम पर गांव का नाम बदलने की मांग। फरमिंदर सिंह ने कहा मृतक गुरविंदर सिंह संत ज्ञानी थे, इसीलिए उनके नाम पर गांव का रखा जाना चाहिए ना। लखीमपुर से राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 26 अक्टूबर को लखनऊ में होगी किसानों की बड़ी पंचायत। बोले इंसाफ मिलने तक जारी रहेगा शांतिपूर्ण आंदोलन। किसानों की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे आरएलडी नेता। जयंत चौधरी ने एबीपी न्यूज से की बातचीत, कहा अगर उनकी सरकार बनी तो लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों और पत्रकार रमन कश्यप को देंगे शहीद का दर्जा। पीलीभीत पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं, बोले जब तक न्याय नहीं मिलेगा लोग आंदोलन करेंगे। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे आप सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश की योगी सरकार मारो और मुआवजा देने की कर रही राजनीति। बोले सरकार तानाशाही पर उतारू, प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों को धरना प्रदर्शन की छूट पर आपको अनुमति नहीं मिलती। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पुलिस लाइन के क्राइम ब्रांच में पूछे गए सवाल, एसआईटी ने 5 घंटे तक की पूछताछ। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी सब इंस्पेक्टर राहुल दुबे और कांस्टेबल प्रशांत कुमार, गोरखपुर के कैंट इलाके से हुई थी गिरफ्तारी। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ। गन्ना मंत्री ने कहा भाजपा की सरकार है आम जनमानस के हितों को लेकर कर रही काम, शामली जैसे छोटे जनपद में भी बड़ी संख्या में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट। सिद्धार्थ नगर पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने नव निर्मित कंप्यूटर लैब का किया लोकार्पण। कंप्यूटर लैब में 50 प्रशिक्षु एक साथ ले सकेंगे प्रशिक्षण। मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा यूपी में शिक्षा के स्तर में लगातार हो रहा सुधार, कहा डिजिटल का हर ओर है बोलबाला। गोंडा के गोनार्ड लॉन में प्रतिभा सम्मान समारोह 2021 का किया गया आयोजन। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉप 10 मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लगभग 600 बच्चों को सम्मानित किया। लखीमपुर मामले पर कहा गिरफ्तारी हो चुकी है, मुआवजा दिया जा चुका है, जाँच जारी है। गाजीपुर के सदर विधायक ने सीएम योगी को पत्र लेकर गाजीपुर का नाम गांधीपुर या गांधीपुर करने की मांग की। काशी क्षेत्र के विधायकों की बैठक के दौरान सीएम योगी को नाम बदलने के लिए सौंपा ज्ञापन। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी दे चुके हैं मांग पत्र। रामनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चाय की दुकान पर रुककर बनाई चाय। दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी से कमर कसने की कही बात। हरीश रावत ने कहा 2022 में जनता चाहती है बदलाव। वाराणसी में बीएचयू अस्पताल के भीतर दबंगई का वीडियो आया सामने। असलहे के दम पर एक युवक बीएचयू के महिला कर्मी को धमकाता दिखा। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया मामला। लंका पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग का मामला। सहारनपुर में शातिर ठगों की ग्रामीणों ने लाठी डंडों से जमकर की पिटाई। घर में घुसे 3 शातिर ठगों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पिटाई के बाद तीनों को किया गया पुलिस के हवाले। संभल में अवैध तमंचे से खुलेआम फायरिंग की तस्वीरें आई सामने। छतों से एक दूसरे पर बरसाए गए ईंट पत्थर। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। दोनों पक्षों के 7 लोग अस्पताल में भर्ती। दोनों तरफ से 3-3 लोगों को पुलिस ने किया अरेस्ट। धनारी थाना क्षेत्र के ग्राम कुमरी भूड़ का मामला। जौनपुर जंक्शन के पास मंगलवार की दोपहर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का इंजन अचानक पटरी से उतर गया। घटना से रेल महकमे में मचा हड़कंप। रेलवे अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। छपरा से सूरत जा रही थी ताप्ती गंगा ट्रेन। देश में बच्चों की कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी। 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने डीसीजीआई को सिफारिश भेजी।